and welcome to my show Bobby the Matinee Idol. Happy New Year to all my viewers. दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए. आज हम बातें करेंगे द किंग ऑफ मल्टी स्टारर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार कोहली की फिल्म इंसानियत के दुश्मन के बारे में. राजकुमार कोहली जी को किंग ऑफ मल्टी स्टारर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में इतने सारे ए लिस्ट एक्टर्स होते जो आपको किसी फिल्म में नज़र नहीं आएंगे. सब के सब ए लिस्ट एक्टर्स और सब ज़्यादा स्टार होते थे, जैसे धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार, कमल हसन, संजीव कुमार, रीना रॉय, हेमा जी, नीतू सिंह, रेखा जी, अनीता राज, सब ए लिस्ट एक्टर्स उनकी फिल्मों में होते थे. तो वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते थे. उनकी जैसी मल्टी स्टार आज तक किसी ने नहीं बनाई. दैट इज़ वाई राजकुमार कोहली जी इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ मल्टी स्टार. और आगे जाके ये ट्रेंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने फॉलो किया. उन्होंने भी बड़ी बड़ी मल्टी स्टार फिल्में बनाई. तो दोस्तों इंसानियत के दुश्मन के पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में एक अंधविश्वास होता है अब तक है कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है. ऐसा अंधविश्वास बॉलीवुड में फैला हुआ है और अब तक फैला हुआ है. कुछ फिल्में चली है लेकिन 99% फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई है. इक्का दुक्का फिल्म चली है. तो इंसानियत के दुश्मन वॉज रिलीज ऑन 2 जैन 1987. इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर. जो ये अंधविश्वास आमिर खान ने भी तोड़ने की कोशिश की थी. उन्होंने अपनी फिल्म मेला, जो 2000 की पहली फिल्म रिलीज थी, तो उन्होंने सोचा मैं ये अंधविश्वास तोड़ डालूं. तो उन्होंने अपनी फिल्म मेला जो 7th डे यानी कि 7th ऑफ जनवरी 2000 में रिलीज हुई थी, वो 2000 की पहली फिल्म थी. एंड इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले एंड कारवा. इन दो पिक्चर का मिक्सचर बना के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन या सुनील दर्शन, आई डोंट नो हु वाज द एग्जैक्ट डायरेक्टर, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी. एंड इस पिक्चर में आमिर खान एंड फैजल खान द टू ब्रदर्स वर इन दिस फिल्म एंड इट वाज अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस. तो अंधविश्वास तो है ही कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म फ्लॉप होती है. उसके अलावा और एक अंधविश्वास है कि टू ब्रदर्स अगर एक पिक्चर में आते हैं, दो भाई एक पिक्चर में आते हैं, तो वो फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है. से मेला के पहले 71 में भी मेला आई थी डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की, जिसमें फिरोज खान और संजय खान थे. डेट वॉज वॉज ऑफ फ्लॉप. सनी देओल एंड बॉबी देओल इन दिल लगी एंड द शहीद भगत सिंह, बोथ फॉर फ्लॉप्स. कुछ फिल्में चली भी है लेकिन एक और हीरो ऐड होता है तो चल जाती है, जैसे सलमान खान एंड सोहेल खान एंड अरबाज खान, वो भी उनकी फिल्म आई थी प्यार किया और डरना क्या. इट वॉज अ सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन धर्म जी वॉज एडिड इन द फिल्म. सोहेल खान वॉज अ डायरेक्टर. दबंग भी चली. विनोद खन्ना वॉज एडिड इन द फिल्म. तो तीसरा पुराने ज़माने के कोई हीरो को लेते हैं वो लोग, उस तरह से फिल्म हो चल जाती है. लेकिन ऐसा अंधविश्वास फैला है कि टू ब्रदर्स विल नेवर मेक अ हिट फिल्म. हेलो ब्रदर्स भी नहीं चली थी. तो ऐसा अंधविश्वास फैला, चलती भी है फिल्में, नहीं भी चलती है. इंदिरा एंड अच्छी फिल्म रहेगी तो डेफिनेटली चलेगी. वो दो भाई हो या जनवरी की फर्स्ट वीक में रिलीज हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. अच्छी फिल्म चलेगी ही चलेगी. लेकिन ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है बॉलीवुड में. तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इंसानियत के दुश्मन, तो 1987 में एक नया ट्रेंड चालू हुआ था बांद्रा के नंदी सिनेमा में. वहाँ पे एडवांस बुकिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती थी. स्पेशली अमिताभ बच्चन की फिल्में जो 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ की टिकट 200 रुपीज़ ब्लैक में चल जाती थी. तो ये सब ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए वो थिएटर के ओनर ने सोचा लेट्स स्टॉप द एडवांस बुकिंग, ओनली करंट बुकिंग. शो के पहले पब्लिक आएगी, टिकट खरीदेगी, डायरेक्ट थिएटर के अंदर जाएगी. शो के आधा घंटे पहले करंट बुकिंग खोलते हैं और टिकट लो, सीधा थिएटर के अंदर जाओ, बाहर जाना अलाउड नहीं है. तो आप टिकट बेच ही नहीं सकते. तो ये ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए ये ट्रेंड शुरू किया था 1987 में. फिल्म इंसानियत के दुश्मन से ट्रेंड शुरू हुआ था. तो ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो पब्लिक थिएटर पर टूट पड़ी थी देखने के लिए. बहुत मारामारी हुई थी कि धर्म जी उस टाइम सबसे बड़े, बहुत बड़े हीरो थे उस टाइम पे. वो वेरी वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम 1987 में.
उन्होंने कम बैक किया था हुकूमत के साथ जो 86 में आई थी, वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो धर्म जी बहुत बड़े स्टार थे और ज़्यादा बड़े स्टार हो गए। और इट वॉज़ राजकुमार कोहली फिल्म जो मल्टी स्टार के सबसे बड़े बादशाह है, शत्रु जी एंड अनीता राज, राज बब्बर, अमजद खान, सो मैनी एक्टर्स वो दें इन दिस मूवी। तो ये फिल्म पूरी मल्टी स्टार थी, तो पब्लिक को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ी। और इस पिक्चर में सुमित सहगल नाम के एक एक्टर ने अपना डेब्यू किया था, सुमित सहगल, जो उन्होंने फिर आगे जाके शाहीन नाम के किसी एक्ट्रेस के साथ शादी भी की थी। शाहीन जिन्होंने 1990 में प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन और डायरेक्टर मुकुल आनंद की फिल्म महासंग्राम अलॉन्ग विद विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित एंड गोविंदा, इनकी फिल्मों में डेब्यू किया था। आदित्य पंचोली का काम बहुत ज़बरदस्त था उस पिक्चर में, तो उस पिक्चर में डेब्यू किया था। और सुमित सहगल वॉज ऑल्सो द इन दैट फिल्म, तो उनका रोमांस उसी पिक्चर में शुरू हो गया। एंड दे गॉट मैरिड लेटर, दे गॉट मैरिड एंड दे हैव अ डॉटर कॉल शाइशा सहगल। शी डिड अ हिंदी डेब्यू विद डायरेक्टर अजय देवगन शिवाय फिल्म जो 2017 में रिलीज हुई थी। तो दिस इज द स्टार कास्ट राजकुमार कोहली की फिल्म, सुमित सहगल ने डेब्यू किया था। तो इस पिक्चर में धर्म जी का तो धमाकेदार परफॉर्मेंस था, उनका जो इंट्रोडक्शन सीन था जेल में चलते हुए आते और शक्ति कपूर के मुंह में रोटियां डाल देते हैं, दैट वाज धमाकेदार, बहुत सीटें पब्लिक ने बजाई थी। शत्रुघ्न सिन्हा का इस पिक्चर में थोड़ा नेगेटिव शेड था, लेकिन धमाकेदार काम किया था उन्होंने। राज कपूर और डिम्पल जी का कुछ रोमांस का एंगल था, उनका भी थोड़ा जो अनबन बताई वो पिक्चर में, वो पब्लिक को बहुत पसंद आई थी। अनीता राज का रोल काफ़ी अच्छा है पिक्चर में, शक्ति कपूर उनकी भी जो ग्रेप सीन है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, और इसकी वजह से फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था। और मुझे ये फिल्म देखने को नहीं मिली थिएटर में, बिकॉज इट वॉज एन एडल्ट फिल्म, मुझे थिएटर के क्यू से निकाला गया था। तो एंड आई सॉ द मूवी ऑन VCR एंड लेटर फॉर सम वीक्स आई सॉ इट इन द थिएटर। इसके अलावा अमजद खान डिड अ वेरी गुड रोल, शक्ति कपूर थे ज़बरदस्त, तो जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। और कोर्ट रूम सीन्स भी बहुत ज़बरदस्त लिए थे शत्रुघ्न सिन्हा, धर्म जी, राज बब्बर के जो कोर्ट रूम सीन थे वो बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो लोगों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी। और इस पिक्चर के जो गाने थे वो सुपर डुपर हिट हुए थे, सभी गाने सुपर हिट हुए थे। उसमें से एक जो गाना है, इंसानियत के दुश्मन देते इतना धोखा, जो धूप में तपते तपते बन जाता है लोहा। ये गाना एक्चुअली प्रोड्यूसर सलीम और डायरेक्टर राजेंद्र सिप्पी की फिल्म लोहा का गाना था, जिसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर के बेटे करण कपूर ने डेब्यू किया था। तो ये गाना वो पिक्चर का था, लेकिन जो तो पिक्चर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने लगा ये इसमें शूट नहीं करा है, तो उन्होंने वो गाना इस पिक्चर को में डाल दिया। और ये पिक्चर में ये गाना बराबर फिट हुआ, तो ऑल द सॉन्ग वर सुपर हिट इन दिस फिल्म। तो जब थिएटर में पिक्चर लगी तो ऑब्वियसली तब जगह हाउसफुल थी और धूम मचा दी थी पिक्चर ने। और जो अंधविश्वास था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में फिल्म लगे तो फ्लॉप हो जाती है, वो अंधविश्वास इस पिक्चर से टूट गया था, बिकॉज इंसानियत के दुश्मन वॉज अ मेगा ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और उसके बाद 87 में धर्म जी की इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई, कुछ 13 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से कुछ 7 या 8 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी। लाइन से इंसानियत के दुश्मन, आ गया लोहा, लॉट कंटिन्यूस फिल्में आई थी उनकी, सुपर दादागिरी एंड ऑल, सब कंटिन्यूस फिल्में सुपर हिट हुई थी। 1987 एंड धर्म जी नेवर गॉट अ फिल्म फेयर अवार्ड टिल डेट एज एन बेस्ट एक्टर। तो 87 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता था, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में सुपर हिट हुई थी, 7-8 फिल्में सुपर हिट हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 1987 में फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन हुआ ही नहीं, तो धर्म जी मिस द चांस ऑफ अ बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नो प्रॉब्लम, ही इज ऑलवेज लव्ड बाय द ऑडियंस, वो अब तक आ रही फिल्मों में, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये मेरा व्यूज थे और मेरा आपको देखा हाल था फिल्म इंसानियत के दुश्मन के बारे में, जो विच वॉज रिलीज ऑन 2 जनवरी 1987। सो आई थिंक इट्स 33 years ऑफ इंसानियत के दुश्मन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन दिस बॉय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।